बाबर आजम ने डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली बाबर आजम से नहीं पूछा। मुझे लगता है अक्सर हमें अपने माँ बाप की डिसीजन को मान लेना चाहिए। बाबर आजम ने डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली बाबर आजम से नहीं पूछा, कोई नहीं हम घबराते। और बीइंग एन आर्टिस्ट तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी जॉनर से नहीं घबराना चाहिए। और एक्शन मैं खुद वेट कर रही हूँ, प्लीज अमार अपनी तरफ से एक्शन डालने की कोशिश कीजिए। अच्छा चलो आज हम ये बात कर देते हैं, मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रही थी क्योंकि बहुत बहुत ही अजीब सी बात है। आपने दो रिलेवेंट लोगों को एक दूसरे की ज़िंदगी में इतने बुरे तरीके से घुसा दिया। बाबर आजम ने डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछा, मैंने डायरेक्टली बाबर आजम से नहीं पूछा, लेकिन फॉर नो गुड रीज़न। आई गेस वी हैव अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स टू डिस्कस। फ़लस्तीन हमारे पास सबसे बड़ा है, इसी आर्मी ने अगर फ़लस्तीन के बारे में इतना बोल लिया तो आई गेस हम कहीं कुछ तो उनकी मदद कर सकते। सो प्लीज़ गो ऑन, दिस इज़ नथिंग। वो दो अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं, मैं अलग हूँ, आपकी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड अलग है। मत जोड़ें बुरे तरीके से एक दूसरे को एक साथ। दैट्स इट, थैंक यू। पसंदीदा डायलॉग डायलॉग एक मुझे याद है, एग्जैक्टली शायद याद ना हो क्योंकि इम्प्रोवाइज में हमने बहुत किया हुआ है, लेकिन वो इसी तरह कि मुझे लगता है अक्सर हमें अपने माँ बाप की डिसीजन को मान लेना चाहिए। मैं यहाँ पे डायलॉग बोलने को कहा था, मैंने बोल दिया। अब इस पे बिलीव, ये फिल्म में डायलॉग है इनका, माँ बाप की डिसीजन को मान लेना चाहिए।